दोस्तों, जमीन पर एक नॉर्मल रनवे करीब 2000 फीट लंबा होता है, जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है। लेकिन वहीं एक एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कराना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट रनवे सिर्फ 300 फीट लंबा ही होता है। ऐसे में प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग कराना पायलट के लिए मुश्किल भरा काम हो जाता है। टेक ऑफ के लिए सिंपली कैटापुल टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें एयरक्राफ्ट के अगले व्हील को कैटापुल से अटैच कर हाई स्पीड में एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया जाता है। कैटापुल पिस्टन को मूव कराने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर से जो स्टीम प्राप्त होती है उसे इकट्ठा कर यूज किया जाता है, इसीलिए टेक ऑफ के समय इस तरह की स्टीम दिखाई देती है। और लैंडिंग के लिए अरेस्टिंग वायर का यूज किया जाता है। जब हाई स्पीड से आ रहा प्लेन लैंड कर रहा होता है, तब उसके पीछे लगे टेल से अरेस्टिंग वायर अटैच हो जाता है, जिससे प्लेन रुक जाता है। और कभी एयरक्राफ्ट अरेस्टिंग वायर से अटैच नहीं हो पाता है तो प्लेन फिर से टेक ऑफ कर जाता है और फिर से लैंडिंग करने की कोशिश करता है।